Hello friends, welcome to my channel. दोस्तों आज हम फाइंड द मिसिंग नंबर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मिसिंग नंबर खोजना कोई डिटेक्टिव वाला इतना कठिन काम नहीं है, लेकिन हाँ डिटेक्टिव लोगों की बेसिक जो रूल होता है उसको ज़रूर फॉलो करना पड़ता है। और रूल ये है कि क्लू आपके पास ही होता है, आपके आंखों के सामने, आपको बस उस क्लू को ढूंढना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको जितने भी संख्या अंक दिया हुआ है उसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आज ढूंढते हैं हम वो संख्या क्या है। मेरे पास जो पहला प्रश्न है उसमें है 3, 4, 25, 4, 5, 41, 5, 6, तो कितना होगा। दोस्तों ये वाला नंबर नहीं है, मतलब इन दोनों को मिला के ये आना चाहिए या फिर इन दोनों मिला के ये। तो पहले देखते हैं कि इन दोनों को मिला के 25 कैसे आते हैं, 3 और 4 मिला के 25 कैसे आते हैं। इसको अगर गुना करेंगे, उसको अगर 2 से गुना करेंगे तो 24 आता है, मतलब नहीं आएगा। या फिर दोनों को प्लस करने के बाद अगर किसी को गुना करते हैं, 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7, तो किसी भी संख्या से गुना कीजिए वो नहीं आएगा। तो है क्या यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो 3 को अगर 3 से गुना करें और 4 को 4 से, फिर दोनों को जोड़े तो 25 आएगा। 3 से गुना करेंगे जैसे, मतलब है क्या 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 4, तो आता क्या है 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, मतलब आता है ये 25। मतलब पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 आता है 25। उसी तरह इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, उसको 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, 10, 35, 6, 16, 41। तो आ गया मेरा पहला 25 आ गया, उसके बाद 41 आ गया, मतलब इसी तरह ये नंबर भी आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 61। यहाँ पे ऑप्शन में भी है 61, मतलब ए आ जाएगा हमारा उत्तर। चलिए दोस्तों दूसरे पे जाते हैं। दूसरे में है एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर भी एक छोटा सा सर्कल है जिसमें 3 है। तो ध्यान से देखेंगे तो इस 3 का बहुत काम है, क्योंकि 3 यहाँ से ये निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ से ये है तो 6 और 3 मिला के ये आएगा। तो ये कैसे आया, 19 कैसे आया, ध्यान से देखिए, 4, 3, 12, उसके बाद 5 गुना किए और ऐसा करते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, और 3 अगर प्लस करते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कीजिए उसके बाद 3 जोड़ दीजिए तो 16 प्लस 3 19। इसको देखेंगे कि ऑप्शन में है कि नहीं ए वाला करके, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 तो 36 प्लस 3 तो 39। ये अगर ऑप्शन में होता है तो आंसर यही आएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है 39 है, तो हमारा आंसर ये होगा, ये वाला हो जाएगा हमारा जो है उत्तर। 3 नंबर पे क्या है, 3रे नंबर पे है 5, 3, 5, 13, 5, 2, 9,
मतलब इन दोनों को मिला के ये आएगा। तो पहले देखते हैं 3 और 5 मिला के 14, 13 कैसे आया। 3 और 5 8, उसके बाद 8 जोड़े 5 जोड़े, 3 और 5 8 होता है, उसके बाद 8 प्लस 5 प्लस कीजिए तो 13 आता है। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ के ये वाला दोबारा जोड़ना पड़ रहा है। तो 5 और 2 7, उसके बाद 7 को जोड़ दीजिए, ये 2 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9। मतलब आ रहा है, लॉजिक है। तो अब क्या करते हैं, इसको दोबारा जोड़ते हैं, 2 बार जोड़ते हैं तो 7 और 7 14, इसमें अगर 15 आना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में भी 1 है, तो हमारा ऐसे आएगा, आएगा 3 प्लस 5, और 5 को दोबारा जोड़ना पड़ता है, तो 5 5 10 और 3 13, ये आता है 5 प्लस 2, और 2 को दोबारा जोड़ना पड़ता है, तो 5 और 2 7 और 2 9। तो ये जब आ रहा है तो मतलब ये भी आ जाएगा, तो 7 को दूसरे जो नंबर है उसको 2 बार जोड़ना पड़ रहा है, और 15 आ गया, तो कितना जोड़ना पड़ेगा यहाँ, 7 और 7 14, और 1 जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारा 15। मतलब हमारा उत्तर होगा 1, ऑप्शन ए। अब चलते हैं चौथे नंबर पर। ये दोस्तों, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 4 16 36 कितना, तो सीधे सीधे सभी जो है ये संख्या जो है आपको दिख ही रहा होगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर है ये। 4 जैसे स्क्वायर है 2 का, 16 है 4 का, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, वैसे ही 6 का स्क्वायर होता है 36। मतलब ये 2 2 करके बढ़ रहा है, मतलब यहाँ 2 4 6, तो यहाँ पे होना चाहिए 8, मतलब 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 × 8, 8 8 16, 8 8 64। ऑप्शन में भी है हमारा 64, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा 64। तो दोस्तों, मिसिंग फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर ढूंढना इतना बड़ी बात नहीं है, अगर ध्यान से संख्या की तरफ देखें तो बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।